द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित 9 से 10 बजे तक ऑफिस जाने के लिए और आने के लिए समय निर्धारित किया गया है। उसके अलावा इस समय के बाद जो भी लोग अनावश्यक रूप से सड़कों पर निकलेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और सभी से बार बार पुलिस प्रशासन द्वारा बिना मास्क और बिना कार्य न निकलने का अनुरोध भी किया जा रहा है। 50 गाड़ियां जा रही है, फिर यही एक्सक्यूज रहता है कि या तो हम दवाई लेने जा रहे हैं या तो रोजमर्रा की चीज़ें वो इसके जो और कोई काम तो प्लीज़ निवेदन है आप लोगों का, आप लोग जो भी एम्प्लॉई है तो इसका पालन करें। जनता पालन न करे आप समझ आ जाता है, लेकिन हम आप अगर पालन न करें लॉकडाउन का तो फिर क्या फ़ायदा। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सेक्टर मजिस्ट्रेट रवि प्रताप सिंह ने बताया, सबके द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसी के क्रम में लॉकडाउन 2 का बड़े कड़ाई से पालन किया जा रहा है हमारे घोष कंपनी चौराहे पे, और जो भी गाड़ियां आ जा रही हैं उनकी सख्ती से उनसे पूछताछ की जा रही है और ये चेक किया जा रहा है कि वो किस कारण से निकले हैं। कोई अनावश्यक निकल रहा है तो उस पर कार्रवाई भी की जा रही है और सख्त हिदायत दी जा रही है। और जो ऑफिसली लोग हैं उनको टाइमिंग भी कुछ दिया गया जी? जी, डीएम साहब ने उसका टाइमिंग भी दे रखा है। जो राज्य कर्मचारी हैं उनको 9 से 10 के बीच अपने कार्यालय पहुँचाना है, और जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनको 9:30 से 10:30 के बीच में